नवाल, मुझे ये बताएं इस साइट पे एंट्री कैसे हुई? आई नो कि आपने स्टार्ट किया एड्स में और सब कुछ, लेकिन ये पहले ख्याल कैसे आया कि मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग या इस तरफ जाना है? आई हैव नो आइडिया. मुझे बस ये पता था कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फॉर्म्स ऑफ आर्ट में था, पेंट में और राइटिंग में, म्यूज़िक में. तो मैंने स्टार्ट तो मुझे म्यूज़िक से ही करना था और मैंने स्टार्ट किया भी म्यूज़िक से था. आई ज्वाइन नापा फॉर वोकल्स एंड गिटार. तो फिर माई डैड वन डे सेड के, यू नो, यू शुड ऑडिशन एट दिस एड एजेंसी, ही इज़ बिन दिस सपोर्टिव. तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई, वी वेंट ऑडिशन फॉर दिस एट दिस एड एजेंसी, और उसका तो कुछ नहीं बना. आई केप्ट गेटिंग कॉल्स. तो फिर आई डिड कमर्शियल्स फॉर लाइक 3 to 4 years. उसके बाद आई मेट दिस लेडी ऑन द कमर्शियल सेट. शी सेड, यू नो, यू हैव अ वेरी ड्रामा फेस. यहाँ पे एक दिस इज ऑफिस वेर यू कैन ऑडिशन फॉर ड्रामाज. मैं नंबर देती हूँ एंड यू गो ऑडिशन ओवर देयर. तो वहाँ पे जाके मैंने ऑडिशन किया एंड आई स्टार्ट विद अच्छा, इस पॉइंट पर हम प्रोजेक्ट. दोबारा आएंगे, पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं. तो लेकिन अब्बू को ख्याल, यू कॉल हिम अब्बू, अब्बा, आई कॉल बाबा, हिम पापा. पापा. मैं या भी आई अपने कॉल हिम फादर, पॉप्स. पता नहीं, मैं नहीं, मैं पॉप्स ही कहती, बट मैं भी अपने फादर को पापा कहती हूँ. क्यूट है या ना? आई नो. सो बट उनको कैसे ख्याल आया? मतलब क्या होता था? आपकी बात दोस्ती है उनसे, यू हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद यस, हिम. मुझे उनको कैसे मेरी लगा कि आप ये करना चाहती हो और मैं अपनी बेटी को इस तरफ पुश करूँ? मेरी एक तो बहुत फ्रेंडशिप भी है और पापा खुद भी म्यूजिक में, ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम नापा. तो वो हमारे घर में भी इन्वायरमेंट शुरू से यही रहा है कि पापा वुड प्ले द पियानो, पापा ने वायलिन सीखा, पापा जो है गाते थे. अभी भी कल मैं बाहर से घर आ रही थी तो मैं जो ग्राउंड फ्लोर पे मुझे पापा की गाते हुए आवाज़ आ रही थी, तो आई वेंट अपस्टेयर्स, टोल्ड हिम कि पापा प्लीज़ काम डाउन, सर्दियाँ हो रही हैं और मुझे नीचे तक आपके गाना गाते हुए आवाज़ आ रही थी. वो बेटियां यही होती है ना कि अम्मा अब्बा कुछ कर रहे हैं तो धीमा रखे. तो वो इन्वायरमेंट मुझे शुरू से घर पे मिला. फिर माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव और मेरे पेरेंट्स में और मुझ में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है. तो वो मुझे लगता है कि हमारी एक बॉन्डिंग एज फ्रेंड्स भी है. और उन्होंने कहा पढ़ाई रखो, पढ़ाई, बिकॉज आपने ए लेवल्स के बाद आपने जी छोड़ दिया जी था या जी कंटिन्यू किया था? ए लेवल्स मैंने किया था और फिर बिकॉज आई हैड प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, तो मैंने फिर एक मैंने कहा मैं ईयर ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन ठीक है. करूँगी. तो वो ईयर ब्रेक के चक्कर में कोविड हैपेंड और फिर अभी आई हैव प्रोजेक्ट्स ऑन तो माई आपको लग हेड. रहा है आप वापस जाएंगी पढ़ाई की आई तरफ? विल हाँ, आई विल. लेकिन मुश्किल होता है ना बहुत प्रोजेक्ट के मुश्किल है. साथ. आपको पता है मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जब मैं ए लेवल्स कर रही थी तो 9 to 12 मेरी क्लास होती थी. सुबह 12:30 मेरे घर के नीचे गाड़ी होती थी. वो तो गॉड. इंस्टीट्यूट मेरे घर से करीब था, तो 12:10 में अपने घर पहुंचती थी और शार लेके 12:30 में अपने नीचे गाड़ी में बैठती थी. अभी वहाँ से मैं 11 बजे घर आती थी रात को. तो बहुत हेक्टिक तो था. क्या करती थी? बुक्स वहीं ले जाती थी, वहीं पढ़ाई हो रही है, नहीं, मैं कंप्यूटर पे पढ़ती अपनी. सिर्फ क्लास में थी ओके, वहाँ पे. माशाल्लाह से इसका मतलब है आप काफी ज़हीन है, मतलब यू नो, वो बिकॉज़ दो चीजों को मैनेज करना, ए बहुत लेवल्स इज मुश्किल नॉट था. इजी, इट्स नॉट इट्स नॉट ईजी. एंड आई इजी, यू नो. रिमेम्बर एक एक तो मैंने एग्जाम भी ऐसे दिया है कि मेरा 2 बजे एग्जाम था और 8 सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैं शूट पे थी और वहाँ से फिर आई वेंट होम, चेंज, एग्जाम दिया एंड देन आई केम बैक टू सेट. और मुझे ये बताएं, इतनी यंग एज है ना आपकी, इस एज पे तो मुझे लगता है बड़ी टेम्पटेशन होती है कि यार मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ, मेरा करियर आ गया है, क्यों पढ़ाई करूँ, छोड़ू मैं किताब, क्यों मुझे, मतलब मैं अभी सेट से वापस जाऊँ फिर मैं एग्जाम दूँ, कभी ये फीलिंग्स आती हैं या आती थी, और अगर हुआ तो कैसे हैंडल किया इसको? नहीं, मुझे मुझे लगता है कि मैं आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट. आई एम एबल टू एक्सेप्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन. मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, आई स्टडीड सोशियो, आई स्टडीड लॉ. तो जो भी मुझे अभी तक एक्सपोजर मिला है और जो चीज़ें मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सेप्ट कर पाती हूँ, मैंने जो अभी तक फील किया है, पीपल आर वेरी इंटॉलरेंट सही बात इन है. एक्सेप्टेंट. आई एम एबल टू एक्सेप्ट पीपल स्पीक. तो वो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन. तो मैं उसको तो बिल्कुल मेरे लिए तो इट वॉज ऑलवेज बेनिफिशियल. तो यू क्लियर कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है एंड और जो अभी तक पढ़ा है उसने मुझे हेल्प भी किया है. आई एम सो हैप्पी टू हेयर दैट, बिकॉज मुझे बस यही लगता है कि जो लोग आप, बिकॉज यू आर यूथ आईकॉन, यू नो, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं माशाल्लाह से, स्पेशली
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि पढ़ाई मस्ट है, जो भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई नहीं, एक डिग्री हाथ में होनी चाहिए ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो सेट पे सब लोग सीरियसली ले लेते कि ये तो यंग सी आ गई है, इसकी तो अभी ए लेवल्स किया हुआ है और ये सब, या नहीं पता चलता, या क्या कैसे ट्रीटमेंट होती है? डू यू फील कि कभी कभी आप थोड़ा सा हो जाते कि तो छोटी है? नहीं, मुझे लगता है सीरियसली लेते हैं. अच्छा. और एक 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 एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे एवरीबॉडी इज अ सेपरेट एंटिटी. मजाक नहीं उड़ाते तुम, बच्ची हो तुम, चुप करो. हाँ, कभी 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 तो मजाक मजाक में हो जाता है. यस यस. ये फरियाद के बिल्कुल शुरू में भी ऐसा हुआ था कि शदी भाई मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं बहुत सीरियस हो, मैं पूरे दिन स्क्रिप्ट लेके बैठी रहती थी. ओके. तो उस तरीके से मुझे लगता है यस, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मिलती है. दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. तो अम्मा अब्बा पे हम वापस आते हैं. तो अम्मा इज वेरी सपोर्टिव. व्हाट यू कॉल हर? मॉम. आई कॉल हर मामा. मामा. और पापा को मैं पापा बोलती हूँ. और प्यार आए ना ज्यादा तो मैं बोलती हूँ पॉप्स, पॉप्सिकल, पॉप्सी. तो वो क्या हेल्प करते हैं, उनकी क्या गाइडेंस होती है, वो क्या कहते हैं सारे करियर के बारे में? अच्छा, उन्होंने मुझे बस शुरू से एक बात बताई है कि रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन सेट बिकॉज एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर यू. और आपका अच्छा बुरा काम बाद में आएगा, पहले लोग आपको आपके बिहेवियर से जानेंगे. सही बात है. तो आप इस चीज़ पे, ये चीज़ उन्होंने मुझे शुरू से बताई है, तो आई स्टे फोकस्ड ऑन दिस. मुझे पता है आप, मतलब अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ साल ही हुए हैं, बट माशाल्लाह से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए. तो अब्बू का क्या, अम्मी का क्या होता है, उनका रिएक्शन? आर दे प्राउड ऑफ यू? कभी गले लगा के उन्होंने बोला, या क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं? दे रियली प्राउड ऑफ मी. और उनको ये भी पता है कि इस एज में बहुत सारे लोग इतना शायद अचीव नहीं करते, और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, और किसी का म्यूजिक से या फॉर्म्स ऑफ आर्ट से कोई लेना देना नहीं है. तो और क्योंकि माई फादर रियली रिस्पेक्ट्स आर्ट, तो वो मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. माई मदर ऑल्सो, और वो कभी कभी देयर ऑल्सो वेरी स्केयर्ड के ऑफ द इविल आई, एंड यू नो यू वर्किंग, एंड सब देखते हैं नवाल, एतुल कुर्सी पढ़ के घर से निकला करो. तो उस तरीके से वो बहुत पजेसिव. बहुत अच्छी बातें सारे माँ बाप ये कहते हैं, लेकिन दे आर रियली प्राउड. तो कोई ड्रामा हुआ या कोई सीन हुआ या कोई चीज़ उन्होंने देखी उसके बाद उन्होंने आके कुछ बोला स्पेशल? अच्छा, वो मेरा हर प्रोजेक्ट, मेरी हर चीज़ वो देखते हैं. अच्छा. और कभी कभी मैं सेट पे होती हूँ तो घर पे आती हूँ तो पता लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है. तो कोई अच्छा लग गया सीन या समवेयर दे थॉट कि आई कुड डू बेटर, वो मुझे ज़रूर बताते हैं. अच्छा, बताते हैं. बताते हैं. दैट्स नाइस. पर उन्होंने आपको म्यूज़िक की तरफ क्यों नहीं पुश किया? खुद वो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं. आप बताएं कि उनको गाने का भी बहुत शौक है, तो म्यूजिक क्यों नहीं उन्होंने आपको एड एजेंसी पे लेकर गए? नहीं, म्यूजिक की तरफ ही पुश किया था. आई स्टार्टेड विद वोकल्स, वोकल्स एंड गिटार. ओके. तो वो फिर 6 मंथ का कोर्स किया, उसके बाद आई डोंट नो कि उसके ऊपर ब्रेक लग गया बिकॉज आई वाज आल्सो स्टडीइंग. फिर मुझे वहाँ नैपा जाना और आना, वो मेरे लिए हेक्टिक हो जाता था. हाउ वाज द एक्सपीरियंस नैपा पे पढ़ने का? मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक आर्ट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, उसमें बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए. ओके. तो मुझे लगता है वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है. आई मीन दे वांट यू टू डू व्हाट दे वांट यू टू डू. ओल्ड फैशन. या मारना पड़ गया मुझे इस बात पे. आई थिंक आई एम बीइंग टू ऑनेस्ट. दैट्स ओके. बट आई लर्न फ्रॉम देयर. सो कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरा बस एक छोटा भाई है, ही इज 13. ओ माशाल्लाह. या एंड देन वो क्या कहता है आपको? आपी. उसका क्या है, वो शो मारता है मेरी आपी तो अब टीवी पे आती है या कुछ, या उसके फ्रेंड्स आके तंग करते हैं या उसका कुछ? आई जस्ट टेल यू दिस. आई थिंक 3 days अगो ही वॉज टॉकिंग टू हिज स्कूल फ्रेंड, और मैं कमरे में आई तो ही सेड मेरी आप ही आई है. तो उसकी दोस्त ने कहा कि प्लीज़ बात करवाएं. तो मैंने फ़ोन लिया तो शी सेड यू नो मैंने मिकाल से क्यों दोस्ती की है, मैंने सिर्फ इसलिए दोस्ती की क्योंकि आप उसकी बहन है. I just say, I was like, okay, thank you, Nehal. Okay. अब मैं इसको वापस होने में, you know, how selfish your friends are. बेचारा, ये तो already दुख में होगा. आपने ऊपर से उसको और he was cheated. He was so excited. He thought मेरी तारीफ करेगी वो. Okay. कि मिकाल से such a good friend. That's what she said to me. उसको शौक होता है आपको देख के इस तरफ आने का, वो कहता है मैं भी बनूंगा कुछ? नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं. बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसको. इंटरेस्ट नहीं. आई थिंक वो ही इज गोइंग टू डू इट इफ ही इज इन द मूड.
इफ हिज पुट इन सच अ प्लेस वो कभी नहीं करेगा. छोटा है अभी तो वैसे भी. छोटा नहीं, वो बहुत नॉटी और वो वो नहीं, पेशेंस उसमें उतना नहीं है. नहीं है. तो घर में क्या होता था शुरू बचपन में? अब्बू जब गाते हैं तो बैठे होते हैं, कहीं भी कुछ गुनगुना रहे हैं, कोई फैमिली आप लोग मिलके कोई गाना वाना गाते थे, या हाउ इट यूज टू बी? फैमिली गैदरिंग्स होती थी, डिनर्स होते थे, तो उसमें इन दी एंड हमेशा म्यूजिक होता था. पापा कीबोर्ड निकालते थे और पुराने गाने एंड ऑल, तो ये इन्वायरमेंट शुरू से रहा है. एंड इट वाज वेरी कैजुअल, नाइस, एक्सेप्टेंट एनवायरनमेंट. अम्मी के साथ कैसी रिलेशनशिप है? वेरी फ्रेंडली. इट्स वेल लाइक फ्रेंड्स, लेकिन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट फिर भी है कि मदर है. तो मामा और मेरी आर्ग्यूमेंट भी होती है अब, क्योंकि वो अब वो उनको लगता है कि शी इज स्टिल द 10-year-old नवाल. आई विल टेल एवरीथिंग एंड शी इज गोइंग टू डू. मैं कहती हूँ मामा प्लीज लेट मी टेक डिसीजंस. तो उस तरीके से हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन बहुत फ्रेंडशिप है उनके साथ.